जय माता दी, जय माँ कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान ज्योतिष के बारे में बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। यदि आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी के बहुत से कष्टों से निजात पा सकते हो। ग्रहण योग, अष्टम भाव में सूर्य ग्रहण हो, यानी कि जन्म पत्रिका में जो लगन चार्ट होता है उस लगन चार्ट में अष्टम भाव में यदि सूर्य ग्रहण हो, यानी कि सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ हो, तो उस व्यक्ति का विवाह जल्दी होता है, परंतु पुत्र एक ही होगा और स्त्री की आयु कम होती है। यही रहस्यमय ज्ञान है कि यदि आप अपनी स्त्री को, यानी स्त्री के भाग्य में हो तो पति, और यदि पुरुष के भाग्य लगन में हो, ऐसा पुरुष की पत्रिका में हो तो उसकी स्त्री, उनकी आयु कम होती है, यानी स्त्री को विधवा होना पड़ता है और पुरुष को विधुर होना पड़ता है। अपने जीते जी अपने सामने जिसका भी अष्टम भाव में सूर्य ग्रहण हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो जीवन साथी होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और बहुत जल्दी होती है, कम आयु में हो जाती है। तो ऐसे स्त्री या पुरुष जो विधवा होने वाली हो, ऐसी स्त्री से या ऐसे पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो और जिंदगी अपनी खराब कर रहे हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। यानी अष्टम भाव में सूर्य ग्रहण जिसका भी हो उसके साथ में विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अपनी मौत को दावत आप खुद दे रहे हो।